मैं डॉक्टर कथूरिया साइकैट्रिस्ट। जेकर तुसी ड्रिंक करते हो, जेकर तुसी अल्कोहल दा सेवन करते हो, ये वीडियो तुहाडे लई है। जिहड़ा भी बंदा थोड़ी भावें ज़्यादा ड्रिंक करता हैगा, वो सिर्फ मैनू 5 मिनट दे कुछ जरूरी गल समझाउणा चाहुंदा। मैं साइकैट्रिस्ट हाँ, मानसिक रोग स्पैशलिस्ट, मेरा अपना हॉस्पिटल है। बहुत सारे पेशेंट साढ़े को आते हैं अल्कोहल दी ड्रिंक दी शराब दी प्रॉब्लम लैके। कई बारी उन्होंने पता होंदा है कि उन्होंने एडिक्शन हो गई है, उदा ट्रीटमेंट लैन आते हैं, दाखिल भी हो जाते हैं। कई बारी उन्होंने नहीं पता होंदा, उदे फैमिली मैंबर्स उन्हों लैके आते हैं। एक जड़ी चीज़ सब तो इंपॉर्टेंट है समझन लई, शराब दे ट्रीटमेंट विच भी, शराब नूं छड्डन लई भी, शराब दी अमाउंट घटाउण वास्ते भी, तां इह समझण लई भी कि एडिक्शन शराब दी हुंदी की है। मैं बहुत ज़्यादा टैक्निकल गल नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा सारी साइंटिफिक और टैक्निकल गल नूं आम भाषा च समझाउण दी। देखो, जदों भी असीं ड्रिंक करदे हां, भावें एक पैग पी लीए, दो पी लीए, हफ्ते च एक दिन पी लीए, चाहे 4 दिन पी लीए, जदों भी तुसी ड्रिंक करोगे, उन्हें तुहाडे ब्रेन दे विच जा के डोपामीन नाम दा कैमिकल वधा देना है। डोपामीन वो कैमिकल है दिमाग दा जिहड़ा सानू खुशी दिंदा है। जदों असी कोई भी नशे दा सेवन करते हैं, साडे दिमाग दे विच डोपामीन दा लेवल वध जांदा है। वो वधन करके सानू खुशी महसूस होंदी है, तां खुशी करके दिमाग सानू कहिंदा असी बार बार वो नशा करिए। इसे करके असी नशे ते लगदे हां। वो चाहे कॉफ़ी दा होवे, सिगरट दा होवे, तंबाकू दा होवे, शराब दा होवे, चाहे दुनिया च कोई भी चीज़ दा नशा होवे, हर नशा करन तो बाद दिमाग दे विच कैमिकल दा वाधा हुंदा है। वो वाधा होण करके खुशी महसूस होंदी है, इस करके असी उस चीज़ नूं बार बार करते। इस करके बहुत सारे लोग बाकी चीज़ां नूं छड़ के उस चीज़ वाले जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ नाल कैमिकल ज़्यादा वधदा, उन्हां नूं ज़्यादा खुशी मिलती है। आई सारी मोटे तौर पर साइंस हैगी है एडिक्शन की। हुण हुंदा की है, जदों साडे ब्रेन का कैमिकल वधदा है, तो ब्रेन दे कैमिकल सर्किट दे विच बदलाव आते हैं। सर्किट दे विच जदों बदलाव आता है, तो कुछ लोगों के दिमाग दे विच वो सर्किट इस कदर डिस्टर्ब हो जाता है, इस कदर शुरुआत कई बार तो बचपन तो ही उहदे विच कोई यह जी कमी होंदी है कि वह सर्किट इन्ना को डिस्टर्ब हो जाता है कि वह बंदा 24 घंटे वह चीज़ मंगता है, वह चाह के भी उस चीज़ तो छुटकारा नहीं पा पाता। इस करके 100 लोग जो शराब पीते ने, उन्होंने 30 लोग एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। किमें हो जाते हैं? चाहे वह पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, पैसे वाले हो, ना पैसे वाले हो, किसी भी लेवल के हो, किन्ने भी समझदार हो, लेकिन जे उन्होंने ब्रेन के अंदर चाहे बचपन तो चाहे बाद किसी कारण ब्रेन का सर्किट बदल गया है, तो वह जो ड्रिंक करते हैं वो शराब की गिरफ्त च आ जाते हैं। वो शराब छड़ना चाहते हैं पर शराब नहीं छड़ती उन्होंने, वो नहीं पीना चाहते, वो एक लेवल तो बाद तंग हो जाते हैं, लेकिन वो मजबूरन फिर दोबारा शराब पी लेंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने ब्रेन का सर्किट यह जाएगा। वो कहते हैं असं बहुत कोशिश करते हैं, असं नहीं चाहते पीना, उन्होंने फैमिली भी सपोर्ट करती है, फिर भी गलती हो जाती। इस तरह के लोगों को ट्रीटमेंट की लोड़ पैंदी है, दवाई खाने की लोड़ पैंदी है, क्योंकि ब्रेन के उस सर्किट को ठीक करना है, शांत करना है, दबा के रखना है। इस तरह के लोगों को जिन्हां दे विच ये प्रॉब्लम है, मेरी गुजारिश यही रहती है, सख्त हिदायत भी रहती है कि एक बूंद भी नहीं पीनी। ये उस तरह ही है जिवें अपने विचों किसी कई लोगों को किसी चीज़ तो एलर्जी होंदी है। कई बार आपां मच्छी तो एलर्जी होंदी है, कई बार आपां लहसुन तो एलर्जी होंदी है, किसी को वीट एलर्जी होंदी है, किसी को मिल्क एलर्जी होंदी है। उहदा मतलब की है कि जदों वह वीट खाएगा, मच्छी खाएगा, लहसुन खाएगा, कोई मसाला खाएगा, उन्हों सारे शरीर के उपर दाने हो जाएंगे, उहदा पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, उन्हों एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, वह चीज़ उन्हें सूट नहीं करती है। बस
ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।